हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज बहुत इजी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। किसके लिए? आर्म्स फेट, आर्म्स पिट फेट, शोल्डर पेन, बैक पेन, नेक सर्वाइकल नेक पेन, और आपकी साइड फेट, बेली फेट, हिप्स फेट और थाइस फेट। इन सबके लिए देखिए बहुत इजी एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज आपको चुन्नी से करना है, चुन्नी के साथ करना है। देखिए, चुन्नी सबके घरों में होती है। देखिए, कोई सी भी आप एक चुन्नी ले लीजिए, आप चाहे तो बेल्ट भी ले सकते हैं। देखिए, इसको टाइट पकड़ लीजिए। देखिए, आपको क्या करना है, दोनों हाथ पूरे ऊपर उठा लेने हैं और दोनों कमर को इधर उधर करना, साइड बाय साइड करने हैं। देखिए, आपको कम से कम ये 40 टाइम्स करना है, बगैर स्टॉप किए, बिना रुके। देखिए, साइड से देख लीजिए। देखिए, एक बार इधर करना है, लेफ्ट राइट, हाथ आपके दोनों ऊपर रहेंगे तभी उस पर पूरा इफेक्ट आएगा। देखिए, मैं कम कम बता रही हूँ, 40 टाइम ये करके आपको क्या करना है, आपको आगे पीछे करना है, यही पोर्शन आपको आगे पीछे करना है। हाथ वैसे ही ऊपर रहेंगे, फ्रंट बैक, 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 फ्रंट बैक। देखिए, साइड से देख लीजिए, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, पांव थोड़ा आपके खुले रहेंगे, शोल्डर लेवल पे रहेंगे, फ्रंट बैक, 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 फ्रंट बैक। ये भी आप 40 टाइम्स कर लीजिए, फिर आप बीच में रुक जाइए, थोड़ी सी देर सांस ले लीजिए, छोड़िए। अब देखिए, दोनों हाथों को आपको मूवमेंट करना है। ये देखिए, चुन्नी मैंने पकड़ ली है, वैसे टाइट इस साइड ले जाना है, फिर इस साइड ले जाना है, फिर इस साइड ले जाना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके हाथों का मूवमेंट सही बनेगा चुन्नी से। वैसे तो आप बिना चुन्नी के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या, आपकी कोहनियां मुड़ जाएंगी और आपका एक हाथ ज्यादा जा रहा है, एक हाथ कम जा रहा, इससे क्या आपका इक्वल मूवमेंट बनेगा। देखिए, इस साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अब ये पूरा साइड में इफेक्ट आ रहा है आपका, जिससे साइड फेट पूरा आपका खत्म हो रहा है। देखिए, और अगर जिसके फेट नहीं है उसकी ये पोर्शन स्ट्रांग हो रहा है। देखिए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट हाथ पूरे स्ट्रेट रहेंगे, राइट लेफ्ट राइट। देखिए, ये कर लिया, अब आप नीचे तक लाइए, पूरे दोनों हाथ देख लीजिए, हाथों की पोजीशन एकदम स्ट्रेट रहेंगे, कोहनियां सीधी बिल्कुल कड़क, अप डाउन, अप डाउन। ये बहुत अच्छा आपका शोल्डर का मूवमेंट है, प्लस साइड फेट के लिए मूवमेंट है। डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप। अब देखिए, बैक देख लीजिए, देखिए बैक में पीछे ले जाइए, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट। आगे से देख लीजिए, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, हाथ पूरे स्ट्रेट रहेंगे, कोहनियां सीधी, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, बैक फ्रंट। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट देख लीजिए, ये सारे आपको 40-40 टाइम्स करना है। आप बीच में रुक कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर लीजिए। कम से कम आपको 80-80 कंटिन्यू करना है, दो दो एक्सरसाइज आपको साथ में करना है। देखिए, अब दोनों हाथ ऐसा रख लेंगे, दोनों पीछे जाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। देखिए, अपर बॉडी मूव करेगी, फिर अपनी जगह यथावत रहेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड। और ये देखिए, हाथ शोल्डर के लेवल में रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, ऊपर भी नहीं रहेगा, शोल्डर के एकदम लेवल में, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसमें पीछे वाले हाथ को देखना है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। देखिए, फिर सांस ले लीजिए, छोड़िए। देखिए, सांस लेने छोड़ने का, रिलैक्स होने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आप हाथों को नीचे कर लीजिए, चाहे पांव पकड़ लीजिए, चाहे क्रॉस कीजिए, और नाक से सांस लेते छोड़ते रहिए, मुंह बंद रखिए।
देखिए नेक्स्ट। अब जब मैं एक साइड की बताऊंगी तो आपको 20 टाइम्स इधर से करना है, 20 टाइम्स इधर से करना है। देखिए पूरा इधर पलट जाएंगे, पांव दोनों सीधे रहेंगे, अपर बॉडी मूव करेगी सिर्फ, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ले जाइए ऊपर तक, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, साइड चेंज करके 20 टाइम्स। देखिए दोनों पांव सीधे रहेंगे स्ट्रेट, सिर्फ अपर बॉडी आपका मूव करना है, अप डाउन अप डाउन, और आप आंखों से चुन्नी को देखेंगे, जब अप जाएगी आपको भी अप करना है, जब डाउन जाएगी आपको भी नेक डाउन करना है, अप डाउन अप डाउन, दोनों हाथ स्ट्रेट रहेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 5-6 बहुत इजी एक्सरसाइज बताई है जिससे आपका फुल बॉडी फैट बर्न होगा। फुल बॉडी में देखिए आपका सब आ गया, थाइज आ गया, हिप्स आ गए, और बेली फैट आ गया, आपके आर्म्स फैट आ गया, आर्मपिट फैट आ गया, बैक फैट आ गया, नेक का फैट आ गया, प्लस सर्वाइकल नेक पेन आ गया, शोल्डर पेन आ गया, और फ्रोजन शोल्डर आ गया, ये सारी चीजें आपकी एक्टिव हो रही है इससे। और ये सब नहीं है, अगर आपको कुछ भी नहीं है, आप एकदम स्लिम ट्रिम फिट हैं, तो आपकी सारी चीजें स्ट्रांग हो रही हैं। बहुत से मैंने देखा एकदम स्लिम लेडीज होती है लेकिन उनसे कोई वर्कआउट नहीं होता है, कोई भी मूवमेंट वो नहीं ले पाती हैं, तो उनकी बॉडी हार्ड हो चुकी होती है, तो उनको भी एक्सरसाइज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब उनकी बॉडी फ्लेक्सीबल हो पाती है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।